नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको पार्ट तीन के बाद जो सूरज और चांद ऊपर क्यों गए इसके बारे में आज बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सबके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया तो बहुत बड़ा था, जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहां बैठते? विभागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार सूरज और चांद ऊपर चले गए। और क्यों गए? क्योंकि पानी क्या उनके घर में इतना भर गया था कि सूरज और चांद को ऊपर आसमान पर जाना पड़ा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा सूरज और चांद ऊपर क्यों गए इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।